सबसे पहले तो जय भीम साथियों, मैं पार्षद नरेश नंबरदार, नगर निगम वार्ड नंबर 28 और अनुसूचित मोर्चा का जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने समस्त क्षेत्रीय जनता से, समस्त शहर से, समस्त फरीदाबादवासियों से ये अपील करता हूँ कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। आप जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी जो है एक उच्चतम शिक्षा प्राप्त करी और जो है उन्होंने शोषित वंचित दलितों की लड़ाई तो लड़ी लड़ी, महिलाओं की लड़ाई लड़ी उन्होंने, और मैं कहूँ कि अपितु सर्व समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो किसी छिपा नहीं है। और ऐसा क्या जो आज हम स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, स्वतंत्र रूप से खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सिस्टम जो आज बना, एक जीवन जीने की जो शैली जो आई एक उचित रूप से, वो बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब एक नायक थे और ऐसे नायक का जन्मदिन कोई साधारण तो हो नहीं सकता। तो ऐसे नायक का जो जन्मदिन है वो मैं एक प्लानिंग है, मेरे व्यक्तिगत विचार है कि बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को है। 14 अप्रैल के दिन ठीक शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपने जो हाँ बाबा साहब की प्रतिमा के सामने जो है केक काटें, दीप जलाएं, कैंडल जलाएं और एक पर्व के रूप में उसको मनाएं, जैसे हम दिवाली को एक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार बाबा साहब की जयंती को मनाएं, ताकि हमारी आने वाले जनरेशन को बाबा साहब के जो है मैसेजेस पहुँचे कि बाबा साहब एक इतने विद्वान व्यक्ति थे, एक महान शख्सियत थे जिन्होंने इस भारत को, भारतवर्ष की एकता और अखंडता में एक अहम योगदान दिया। जो आज हम जो भारत का स्वरूप देख रहे हैं ये बाबा साहब की देन है। चाहे वो RBI की रचना करनी हो, चाहे महिलाओं के लिए प्रसूति के समय अवकाश की बात करें, चाहे रोजगार का जो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चाहे भारतवर्ष के अंदर कितने अनोखे बांध की संरचना की बात करें, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब एक ये कहें कि किसी दिव्य आत्मा, कोई दिव्य आत्मा थे जिन्होंने एक अवतार इस धरती पर लिया और उन दलितों और पिछड़ों और वंचितों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जिनको समान रूप से, समांतर रूप से जीने का अधिकार दिया और जीने के लिए या कहीं ना कहीं उनको जो है निरंतर जो है वो एक प्रगति और पथ पर लेके आए। कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे कि जो जितने भी लोग आज डे बाई डे जो विकसित जो विकास कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, आगे जॉब्स में जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सभी को समान रूप जीना सिखाया। तो पुनः मैं अपने शहरवासियों से यह अपील करूंगा कि ऐसी एक दिव्य आत्मा के लिए, एक ईश्वरीय अवतार के लिए आप आने वाली 14 तारीख को शाम को 7 से 8 बजे तक उनकी प्रतिमा के सामने कैंडल जलाएं, दीप जलाएं और केक काटें और पर्व के रूप में खुशी से इसको मनाएं। बस मैं यही आपको एक संदेश देना चाहता था। मेरी पूरी टीम, हमारे पूरे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, सारे लोग लगे हैं पूरे फरीदाबाद में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो पार्टी से भी निर्देश है कि बिल्कुल संयम के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क लगा करके, सैनिटाइजर का प्रयोग करके, डिस्टेंसिंग पालन करते हुए बाबा साहब की जयंती को हमने मनाना है, क्योंकि केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। मैंने तभी कि कहीं ना कहीं एक संदेश लोगों को दिया है कि क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं करनी, ज़्यादा भीड़ में जाना भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जब बाबा साहब का जब जन्मदिन सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए हम घरों में कैंडल, उनकी तस्वीर के सामने कैंडल जलाकर, दीप जलाकर, मिठाइयाँ बांटकर और केक काटकर बाबा साहब की जयंती हम मना सकते हैं। तो वो सब हमारी वॉलंटियर, सारी टीम, सभी लोग हमारे बिल्कुल तैयार हैं।